पठान के बाद शाहरुख खान जल्द ही जवान में नजर आने वाले हैं, जहां फिल्म में उनके साथ नयनतारा और विजय सेतुपति भी है। साथ ही फैंस को भी इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार है, जहां एटली के निर्देशन में बनी यह फिल्म देश में बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर में से एक है, जिसे लेकर काफी समय से फैंस जवान के बारे में अपडेट मांग रहे हैं, जिसके बाद अब इस बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल एक मनोरंजन समाचार पोर्टल की ओर से दिए गए अपडेट के मुताबिक जवान के टीजर में लोगों को वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी उन्होंने उम्मीद लगाई है। दरअसल कोइमोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान का टीजर देखने वाले सूत्र का कहना है कि जवान के टीजर में हर वो मसाला है जिसकी रईस में किसी न किसी तरह से कमी थी। साथ ही एटली की फिल्म में शाहरुख खान भी अपने टॉप फॉर्म में है। इतना ही नहीं, सूत्र का कहना है कि एटली के विजन के तहत शाहरुख खान जवान के लिए मॉन्स्टर बन गए हैं और यह फिल्म बड़े पर्दे पर अद्भुत दिखने वाली है। वही सूत्र ने आगे खुलासा किया कि जवान के टीजर से सब कुछ या बहुत कुछ नहीं पता चल सकेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसे देखने के बाद लोगों में उत्साह कायम रहेगा। वही सूत्र का आगे भी कहना है कि जवान का टीजर ऐसा है कि इसे ट्रेलर की तरह भी लिया जा सकता है, जो फिल्म रिलीज होने तक चर्चा में बना रहेगा। वही रिपोर्ट के दावे के मुताबिक जवान का टीजर न केवल शाहरुख खान के फैंस को बल्कि हर मसाला फिल्म प्रेमी को भी पसंद आएगा। वही हम आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान ने जवान के टीजर पर आस्क एसआर के सेशन के दौरान भी अपडेट दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि सब कुछ तैयार हो रहा है और समय पर सामने आएगा। वही अब हम उनकी वर्क फ्रंट की बात करें तो जवान के बाद शाहरुख जल्द ही डंकी में दिखने वाले हैं, और जहां इसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है। वैसे शाहरुख खान को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।